हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम पंजाब की एक मानी हुई एक क्या कहना चाहिए रेसिपी पेश करने जा रहे हैं। उसका नाम है मैं नहीं बताऊंगा, मेरी वाइफ बताएगी। मुझे बहुत पसंद है खासकर, और अक्सर बेशतर औकात जब मैं बनवाता हूँ तो मैं मिसेज को कहता हूँ इसके साथ ना वो भी आप बनवाएं मकई की रोटी। लेकिन आज हम सिर्फ वो आइटम दिखाएंगे जो सालन के तौर पे यूज होगी, और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। बड़ी मेहरबानी है नए नए हम, जितने आप हमें सपोर्ट करेंगे उतने हमें और भी बूस्ट मिलेगा। हम अच्छे अच्छे तरीके से आपको डिफरेंट टाइप की चीजें जो है ना खाने के लिए देंगे। तो चलिए चलता हूँ मैं अपनी वाइफ की तरफ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? सब खैरी से हैं? अल्लाह ताला सबको अपने जुबान में रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग, खड़े मसाले वाला। बिल्कुल कम मसाले हैं इसमें, कोई ज्यादा इसमें मसाले नहीं डलेंगे। तो ये खड़े मसाले का साग है, एक तो होता है मिक्स करके बनता है, वो नहीं मैं बना रही। ये जैसे मेथी की तरह बनता है, वो मैं वो बनाने लगी हूँ। तो आप देखें, अच्छा ये मैंने दो गट्टी मैंने साग की ली है, मस्टर्ड लीव जो बोलते हैं साग, दो गट्टी मैंने ली है। 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के लिए है। 1 आधी इंच का टुकड़ा मैंने अदरक लिया है। तो 5 से 7 मिर्चे साबुत है, साबुत लाल मिर्च है। 1/2 छोटी चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी है, और 1 बड़ी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। तो ये ऑयल इसके हिसाब से थोड़ा सा एक ऑयल जाएगा इसमें। ओके जी, मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो भाई जी गल आ गई है, सानू पंजाबी च बोलना पौगा क्योंकि है पंजाबी डिश है आज। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा दिए जाएगा ये। चले जी, देखे ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, साबुत लहसुन है, छोटा छोटा काट के मैंने डाला है। साथ मैंने अदरक डाल दिया इसमें, इसमें प्याज नहीं जाएगा। वैसे थोड़ी मर्जी आ, ये हमारी पंजाब की डिश है। तेल दे लिया है, तुसी के भी यूज कर सकते हो, देसी के वो इसको ऊपर डाल के खा लेंगे। नहीं तुसी पका सकते हो, मगर अभी चूंकि रेसिपी जी है ना तेल च रखी है, इस वास्ते ओदे मुताबिक असि अपना जो भी खाने का स्टाइल बनाओगे। थोड़ा सा मैं वो डालूंगी, ब्राउन होगा इसको, लाइट ब्राउन करना। मैंने लहसुन और अदरक को ना लाइट ब्राउन करके इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरे के लिए हो जाएगा। एक चीज है कि जी ना साडा आज का जो प्रोग्राम है, डिश जड़ी है ना सिर्फ सिर्फ पंजाब के लोग बहुत बेहतरीन खाई भी वही जाती है और बनाना भी ज्यादातर जहरी हाल जिनकी चीज है, जैसे निहारी है या हलीम है, वो हमारे कराची में ज्यादा अच्छी बनती है। लेकिन अब तो खैर हालात भी बनाता है, साग भी बना लेता है। मैं अच्छा, ये मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया, ये 6-7 साबुत लाल मिर्चे हैं, ये इसमें टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा, ना प्याज डलेगा ना टमाटर डलेगा। मेरी दीदी साग बड़ा टेस्टी बनाती है। इससे पहले पिंडी के बच्चे मेरी माँ बड़ा चंगा साग बनाती थी, क्या बात मूह में ही रखता। लेकिन ये कि मैं इंग्लैंड से एक बार गया ना, तो साउथ हाल के क्या बात है, ओबराय बाल्टी तंदूरी रेस्टोरेंट उतो मैं साग खाधा ना, जरा मैं अभी नहीं भूल सकता। वो कड़वी उदो दिता कि उन्होंने छोटी की हांडी रेसिपी जो है ना नाज़रीन आप नोट करें, अगर आप बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे तो आपको मजा आएगा। और ये साग जो है ना, ये साग वो वाला नहीं है जिसको पंजाबी कहते हैं कोट के कोटना साग, ये वो वाला साग नहीं है, ये मिक्स तड़के वाला साग है, और सरसों का साग है भी ना, गंदला का साग है, और खड़े मसाले का साग बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ना इंशाल्लाह जरूर बना के दसांगे तुहानू जिहड़ा सही जिहड़ा साग है कोटन वाला, वह बनावांगे इंशाल्लाह। अच्छा, ए बड़ी चीज नोट करन वाली है,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਮ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਕਵਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਅਬ ਇਸਕੋ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਗ ਇਹ ਖੜਾ ਖੜਾ ਤਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੰਨਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਠ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। चले जी, ये हमारा साग हो चुका है तैयार, खड़े मसाले का सरसों का साग। वेरी गुड। ये मैंने पराठा बनाया एक साथ में। क्या इमाम से मुझसे गोल कभी नहीं हुआ आज तक। मैंने काफी ट्राई किए हैं, मुझसे नहीं पराठा गोल बनता, अव्वल तो बनता ही नहीं है, रोटी नहीं बनती मुझसे तो भाई। ये देखिए जी, पराठा बन रहा है, स्पेशल पराठा है साग के साथ, इसका मजा ही अपने साथ चाहे हो। वो साथ में मौसम भी हो जो बाहर है इस वक्त क्लाउडी वेदर है। हाँ। ये देखिए पांच छह कलर बना दो, खा ही ना आप। मैं देखे हमारा क्रिस्पी सा पराठा तैयार होने वाला है। ये देखे इतना मजे का पराठा, इसके साग के साथ इसका बहुत मजा आएगा, खास तौर पे नाश्ते में ये साग और पराठा। ये मक्के की रोटी, ये दो रोटियां इसके साथ होती नान सादी रोटी में। ये देखे नाजी, देखे ये तैयार है, अब देखे पलटा कर देखते हैं। कुछ नहीं है, ले जी, रेडी टू ईट। हाँ जी नाज़रीन, देख ले एक खड़ा साग जेड़ा है ना, तड़के वाला साग भी कह सकते हो, ये तैयार है और पराठे के नाल तुसी बनाना है इनू, उसके बगैर तुम्हें मजा नहीं आना, फिर सानू ना कहना, नाल चाह है ए कॉम्बीनेशन है। ਇਸ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੀ ਖਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯੇ ਜੋ ਮਿਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਯੇ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਯੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਯੇ ਰੋਸਟ ਹੋਈ ਆਇਲ ਮੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਥ ਮੇ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਬਟਰ। ਚੱਲ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ये देखें ये निवाला है। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चाय का जो आखिर पे है ना काम, वाह वाह वाह, आप बिलीव कीजिएगा, इसमें यकीन कीजिएगा 110%, मैं आपको स्टैम्प लगा कहता हूं, आप ये जो रेसिपी हमारे जब करेंगे ना पूरी उसके मुताबिक बनाएंगे, यही चीजें आपने बनानी है, आपको मजा ना आया तो पैसे वापस। मेरे तो यकीन कीजिएगा 14 तबक रोशन हो चुके हैं। बहरहाल आखिर पे मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आप प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ ऑलरेडी वो लाइक करें, अपने कॉमेंट्स छोड़े, और जिन्होंने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी जो
ताज़ा ताज़ा नई नई वीडियोस चाहिए ना तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और इसके साथ साथ हमारा भी फ़ायदा होगा, हम मज़ीद अच्छे से अच्छे तरीके से आपको वीडियोस जो है ना बनाकर मुख्तलिफ खानों की देते रहेंगे। तो सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।